ऑनलाइन के बाद अब रेलवे ने टिकट काउंटर भी खोल दिए हैं। टिकट काउंटर पर जाकर आप टिकट ले सकते हैं। देश भर में 1,70,000 काउंटर हैं। बता दें कि 1 जून से 200 ट्रेनें चलेंगी, जिसकी बुकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो खुल गई हैं खिड़कियां, आप टिकट खिड़की पर जाकर अपने ट्रेन का टिकट कटवा सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। पर कुछ गाइडलाइन जरूर जारी किया गया है, जिसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टिकट काउंटर के बाहर आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना ही पड़ेगा, साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य बताया गया है। लॉकडाउन के लगभग 2 महीने बाद आज रेलवे के काउंटरों को खोल लिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले ऑनलाइन बुकिंग करी जा रही थी और इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आज काउंटरों को पूरी तरीके से खोल दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि एक दिक्कत आ रही थी कि ऑनलाइन किसी तरह से जो टिकटें नहीं बुक हो पा रही थी, उसमें लोग जो हैं वो परेशान हो रहे थे। जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जो सभी टिकट हैं वो चाहे नॉन एसी हो चाहे एसी हो, वो आपको काउंटर से मिल पाएंगी। तो आज यहाँ पर ग्राहक भी पहुँचे हैं, कस्टमर पहुंचे हैं, वो लगातार यहां पर अपनी टिकटें बुक करा रहे हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से देखते हैं वो इस फैसले को। ये बताइए, अब ऑनलाइन की जगह आप काउंटर से भी अपनी टिकट बुक करा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत बड़ी राहत है। ऑनलाइन पे जो ऐप था वो ऐप फेलोर हो जाता था, वो हैंग हो जाता था। अब ऑनलाइन बुकिंग ये काउंटर से जो हम टिकट ले रहे हैं, बहुत बड़ी राहत है। आए एकदम से मिल गया। मुझे झांसी जाना था, आए 2 मिनट के अंदर मुझे ये झांसी के लिए टिकट मिल गया। बहुत बड़ी राहत है। नहीं, एक बात आपसे और जानेंगे, जो ऐसे गरीब लोग थे या बात करते हैं जिनके मोबाइल में इस तरह की एप्लीकेशन नहीं थी, अब वो लोग आसानी से घर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे बड़ी बहुत बड़ी राहत ये है कि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, और ये जो काउंटर जो खुल गया है, इससे कोई भी आदमी काउंटर पर आता है, बहुत ईजिली उनको टिकट अवेलेबल हो जाता है। बहुत लोग ऐप भी मालूम नहीं है, हैंग हो जा रहा है, ऐसा भी मतलब मीडिया के द्वारा ऐसा खबर भी मिल रही है। कुछ जो बीच के जो एजेंट हैं वो इनको हैक कर लेते हैं और उस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छी खबर है, अंदर जो काउंटर पे लोग भी बैठे हैं, आप देख रहे हैं जो टिकट बुक करने वाले बैठे हैं, उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है और साफ तौर से पूरी गाइडलाइन के साथ यहाँ पर लोगों को टिकट दी जा रही है, सैनिटाइजर का यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। मैम, आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि किस तरह की मैम एक गाइडलाइन दी गई है, टिकटों को देते समय मास्क पहनना ज़रूरी है या क्या है? मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और ग्लव्स और जितने भी एहतियात हैं वो सब बरतना बहुत ज़रूरी है। लगता है ना कहीं ना कहीं से एक राहत है, जिस तरह से काउंटर से अब टिकट मिलने लगी लोगों के लिए। जी हाँ, ज़रूर। तो जिस तरह से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जिस तरह से काउंटर पे लोग मौजूद हैं, उनका साफ तौर पे कहना ये है कि हम लोग टिकट उन्हीं लोग को दे रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। साथ ही साथ सबसे पहले यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उसके बाद ट्रेन में जब ये यात्रा करेंगे तो भी इनका टेम्परेचर देखा जाएगा। अगर इनको फीवर होता है तो इनको यात्रा करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो यात्रियों की एक राहत की खबर है कि जो अभी तक अपनी टिकटों को नहीं बुक कर पा रहे थे, घर नहीं पहुँच पा रहे थे, अब वो आराम से अपने घर पहुँच सकते हैं। संदीप खेर, वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ R9 TV उत्तर।